हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त चल रहा है एग्जाम आप लोग का? टेस्ट बहुत अच्छा चल रहा, तो क्वेश्चन जैसे कि वायरल हो चुका है और आपको बनाना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जो सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी सवाल को देखें, इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया है, पूरी वीडियो देख लीजिए ध्यान से। अभी यहाँ पे हम लोग करने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत हल्का हल्का सवाल है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और फाइनल एग्जाम में भी इसी प्रकार सवाल आएगा, जिस तरह से अभी आपको देखने को मिल रहा है। शुरू करते हैं सवाल को और बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपको और बता दूं एक बात, कि अगर आपको मेरे से जुड़ना है या आप चाहते कि सर से मैं कॉन्टेक्ट करूँ, नोट्स पीडीएफ वगैरह लूँ, तो एक नंबर में दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज करना, कॉल करना, जो करना हो करना। यह हमारा मोबाइल नंबर है, इसे आप मैसेज कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह कोर्स वगैरह जो भी है ना आपको मिलेगा। लास्ट टाइम बताएंगे इसके बारे में डिटेल्स, बाकी मैंने आपको नंबर बता दिया। चलिए सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर होता है। सबसे पहला सवाल है कि सिद्ध करें कि √2 + 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलता है। कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, क्या जब भी ऐसा बोले ना तो पहले लिखेंगे माना कि √2 + 5 एक परिमेय संख्या। क्या मान लेना है? एक परिमेय संख्या, ये आपको मान लेना है, ठीक है ना। जब भी परिमेय संख्या मान लेते हैं, जब भी परिमेय संख्या मानते हैं, तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो √2 + 5 जो है ना, वो p/q के रूप में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या जब भी रहेगा तो p/q के रूप में तो रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे √2 अपरिमेय है और 5 क्या है? परिमेय है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, √2 को ऐसे रहने देता हूँ, 5 को उधर भेज देता हूँ, p/q - 5। अब एक बात ध्यान से देखे, p/q परिमेय है, 5 भी परिमेय, ये पूरा परिमेय है, इधर क्या है, क्या है? अपरिमेय है। तो हम लिखेंगे, चूंकि बड़ा आसान से बन जाता है, √2 एक क्या है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, तथा p/q - 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतनी तो बात पता चल गया, लेकिन एक बात बताइए, क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? इम्पॉसिबल, नहीं बराबर हो सकती। तो लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे इसलिए √5 जो है not equal to p/q - 5, यानी कि दोनों बराबर आपस में कभी नहीं हो सकता है। तो फिर आगे यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेना आपको कॉपी में, लेकिन अतः हमारा मानना है ना, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए हमारा मानना गलत, अतः √2 + 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। √2 + 5 है क्या है? परिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिखना है, आराम से दो नंबर मिले। जब इस सवाल बनाइएगा ना, तो आपके कॉपी बस देख लेगा, हाँ बंदा क्या बनाया, ओ चलो बिल्कुल सही है, सही है, दो नंबर मिल जाएगा, ऐसे कॉपी चेक होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे बनाइएगा, एग्जाम में भी ऐसे बनाना फाइनल में, ठीक है। चलिए हाँ ओके, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे बोलता है, सवाल क्या बोलता है, हाँ देखिए सवाल बोलता है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण जो दे रहा है यहाँ पे, इसको मूल निकालना है। गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालने दो तीन तरीका, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, वर्ग विधि से निकालते हैं, और फिर द्विघात समीकरण से भी निकालते हैं। तो हमको यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकालने बोल रहे, तो यही विधि से निकालेंगे। चलिए सवाल क्या है, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ यहाँ पे, द्विघात समीकरण दिया हुआ है (2x²+x-6=0)। ये दे दिया, ओके। अब हमको गुणनखंड विधि से निकालना है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 6 × 2 = 12 होता है, तो और 6 × 12 तो टूटेगा ना, 4 × 3 = 12 टूटेगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे (+4x - 3x)। देखो 4 में से 3 घटेगा, x बचेगा, -6 = 0। अब यहाँ पे लेंगे कॉमन, क्या कॉमन लेंगे, देखो ये दोनों कॉमन लेंगे और ये दोनों कॉमन लेंगे, आपको एग्जाम में ऐसे लाइन नहीं खींचना है, ठीक है ना। 2x हो जाएगा, x + 2 × 4, यहाँ पे 3 कौन होगा, x - - +। देखिए ब्रैकेट में हमारा दोनों सेम आ रहा ना, जब सेम आ गया तो करना क्या होगा, ब्रैकेट वाला को पहले लिख लीजिए और जो बच रहा 2x - 3 को आपको लिख लेना है। अब चूंकि बोला मूल निकालने के लिए, तो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस टू बराबर जीरो यहाँ पे इसलिए करके, और एक्स बराबर क्या होगा माइनस टू हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, टू एक्स बराबर थ्री, एक्स बराबर थ्री बाई टू, ये दोनों क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये दोनों आपका मूल निकल गया, ठीक है ना। ऐसे सवाल आपको बनाना है आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे रेड में ब्लैक में लिखा, आपको एग्जाम में कोई एक ही पेन यूज करना है, ब्लू ब्लैक नहीं करना है, ठीक है, एक ही पेन यूज करना है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे बड़ा आसान सवाल, बहुत हल्का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्या जो दिख रहा है 625, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करना बस। तो चलिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं सवाल 625, तो 625 को इस तरह सबको करना है, पहले पांच से कटेगा, पांच से कम पांच, पांच दुना दस, पच पचे पच्चीस, फिर पांच से कटेंगे, पांच दुना दस, पच पचे पच्चीस, फिर पांच से कटेंगे यहाँ पे, तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, इसलिए 625 का क्या है अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, कौन कौन आया, पांच 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 पांच, पांच गुना पांच गुना पांच गुना पांच, यानी कि पांच पर पावर तीन, यही हो गया, इतने लिख देंगे चलेगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया, पांच पर पावर तीन क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हमारे ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये सवाल किताब में आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो जब आप हल करिएगा ना, जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे सवाल उतार लेना है आपको, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे क्या करेंगे, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान यहां पे क्या होगा, देखिए बैठाइए, साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 का होल स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है ना, और कॉस 0 का वैल्यू भी 1 होता है। अब यहां पे क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1/√2 किसका 2 होगा, ये देखो प्लस 1 माइनस 1 तो क्या हो गया, ये दोनों गया काम से, कट गया ना। चलिए तो यहाँ पे ले लेंगे 2 एलसीएम, 1 प्लस 1 भिन्न का जोड़ बना दीजिएगा, 2/2 आंसर क्या हो गया, बोल एक आंसर हमारा राइट हो गया। तो वैल्यू बैठाना ध्यान, साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, साइन 90 का वैल्यू 1 है ना, और कॉस 0 का वैल्यू 1। अब आपको यहाँ पे हल करना है, यहाँ पे इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, सिद्ध करें कि 1+tan² बटे 1+cot² और tan² थीटा होता है कि नहीं होता है, तो हमको LHS बनाना, RHS हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जी देखेंगे LHS, LHS क्या है, 1+tan² θ, 1+cot² θ हो गया LHS, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जब भी आप सिद्ध कर रहे हो, सवाल बना रहे हो ना, और जैसे आपको फॉर्मूला दिखे ना, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला फिक्स करना है, भले गलती हो जाए चलेगा, लेकिन अक्सर 99% देखा फॉर्मूला फिक्स किया, आंसर हमारा आते चला गया। 1+tan² का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1+tan² का फॉर्मूला होता है sec²θ, और 1+cot² का फॉर्मूला क्या होता है, cosec²θ, लेकिन मुझे लाना टेन ना, तो अब क्या करेंगे, sec का फॉर्मूला होता है 1/cos²θ, और cosec का क्या होता है, 1/tan²θ, ठीक है। अब जो ये जो भाग दिख रहा है, ये जो भाग, इसको पलटेंगे गुना में, भाग को पलटेंगे क्या में, गुना, तो भाग को पलटे 1/cos है ना, 1/cos²θ गुना, तो जैसे गुना पलटेंगे साइन ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, sin²θ/1। अब मेरे पास क्या आ गया, 1 को साइन से गुना कर दो तो sin²θ, और cos को 1 से गुना कर दो cos²θ, और आपको पता है साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है ना, स्क्वायर का स्क्वायर थीटा करते हैं, ये हो गया RHS प्रूव्ड हो गया, है ना, ये क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाँ ये सवाल थोड़ा अच्छा है, देखिए ध्यान से सिद्ध करना, सवाल को बोला गया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है,
बोलता कि एसी बराबर बीसी, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज देखिए, एक ऐसा ट्राइंगल है समबाहु, और यहां पे सिद्ध करने बोला ए बी स्क्वायर बराबर टू ए सी स्क्वायर होता कि नहीं होता है, ये सिद्ध करने बोल रहा। तो ए बी सी और बोलता ए सी बी सी बराबर हो ना, ए सी बी सी बराबर, तो हमको यहाँ पे सही करना पड़ेगा ए सी, यहाँ पे बी लेना पड़ेगा ए बी सी, यानी कि ए सी और बी सी बराबर है और समबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध करना कि क्या समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे सिद्ध होगा बताइए, सिद्ध करना कि, तो सिद्ध करना कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो मेरे को ये दे दिया है कि ए बी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर होता है, ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो चलिए पहले दिया हुआ क्या दिया है, कि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समद्विबाहु बाहु दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, क्या बोलता है कि AC बराबर BC, ये दे दिया है कि दोनों बराबर है, और क्या दिया है ये भी दे दिया है ना, यदि बोला ना, यानी कि दिया हुआ है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण, ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको, सिद्ध कैसे करेंगे, अगर ये इसको हम फॉलो करते हैं, ये अगर रियल में ए बी स्क्वायर टू एसी स्क्वायर के बराबर आता है तो हो जाएगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे यहां पे इसको छोटा करते, थोड़ा सा छोटा करते हैं, लेकिन इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है टू ए सी स्क्वायर दिया हुआ है। आप मुझे बताओ कि ए बी स्क्वायर को हम ए बी स्क्वायर ही रहने देते हैं, टू ए सी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा ना, दो बार लिख सकते हैं, चल लिख देते हैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए ए सी ए सी, यहाँ पे ए सी बी सी दोनों बराबर बोल रहा, तो हम एक ए सी की जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख देंगे पहला ए सी ऐसे रहने देते हैं, दूसरा ए सी लिख देंगे बी सी, क्यों, तो आप लिखेंगे चूंकि, चूंकि ए सी बराबर बी सी जो है वो दिया हुआ है। तो जब हमने ऐसा लिख दिया तो देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लिखेंगे यह पाइथागोरस का प्रमेय, इसलिए त्रिभुज ए बी सी परमेय हो गया ना, इसलिए हम ऐसे करते हैं, कोण बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, सॉरी बी नहीं होगा, सॉरी सी होगा, कोण सी बराबर क्या होगा 90 डिग्री, पाइथागोरस का परमेय फॉलो कर दिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, लेकिन इसीलिए है ना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समकोण, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तब मिलेगा आपको दो नंबर, ठीक है, ऐसे बनाइएगा तब बनेगा। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो किसी के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अच्छा लास्ट में हम दिखा देंगे, ठीक है लास्ट में स्क्रीनशॉट दिला देंगे। एक घनाभ की लंबाई बोलता है क्या, बोला कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ 3, 4, 5, तो इसका आयतन क्या होगा, ये बड़ा आसान से बनाता है, लिखते हैं यहां पे घनाभ की लंबाई कितना दिया, लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई मतलब बी कितना दिया 4 मीटर, मतलब एच 5 मीटर, ये क्या बोलता है घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है फॉर्मूला, घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन, ये घनाभ का आयतन होता है। लंबाई को 3 लिखते हैं, चौड़ाई को 4 लिखते हैं, ऊंचाई को 5 लिखते हैं, 4 × 12 = 60 m³, क्योंकि आयतन लिख रहे हैं तो मीटर क्यूब है ना, हल्का सवाल है, बहुत आसान से इसको प्रैक्टिस कर लो इसको फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सवाल थे क्या, बोला कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए भाई, तो हम यहाँ पे एक लाइन देते हैं, मानते ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे दे दिया -1, 7, यहाँ पे दे दीजिए बोला 4-3,
इसको हम एक्स वन वाई वन बोल सकते हैं, इसको हम एक्स टू और वाई टू बोलेंगे। और एक बिंदु यहाँ पे निकालना पी, जो कि नहीं मालूम हमको, यानी कि एक्स या वाई का मान निकाल, लेकिन बोलता है कि ये जो है दो और तीन के अनुपात में निकालता है, इसको एम वन इसको एम टू, तो हमको इंडिकेट कर लेना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एक्स वन एक्स टू कितना आ गया, माइनस वन और सेवन है, वाई एक्स टू वाई टू फोर माइनस थ्री है, और एम वन अनुपात एम टू कितना है, तो अनुपात तीन है। तो विभाजन फॉर्मूला पढ़े आप लोग, विभाजन फॉर्मूला उसी से बनाना पड़ेगा। आइए ये विभाजन सूत्र से क्या था फॉर्मूला, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, ये ऑब्जेक्टिव में भी दिया होता है इस वाला, एम वन वाई टू वाई वन, एम वन प्लस एम टू। अब यहां पे ध्यान से बैठाना होगा आपको, एम वन कितना है, एम वन दो है, एक्स टू कितना है चार है, एम टू कितना है थ्री है, एक्स वन कितना है माइनस वन है प्लस थ्री, एम वन कितना है दो है, वाई टू कितना है माइनस थ्री है, एम टू कितना है थ्री है, और वाई वन कितना है सेवन है प्लस थ्री। आपको इतना लिखना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, चार दुनी आठ प्लस माइनस माइनस तीन एकम तीन, तीन दो पांच, माइनस तीन दुना छः, सत्या इक्कीस बटे पांच, तो देखिए कितना आ गया, पांच बटे पांच, और इक्कीस में छः घटेगा पंद्रह ना, पांच एकम पांच, पांच तिया पंद्रह, एक और तीन आपके आ गया आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसको चेक करने के लिए बड़ा आसान है, चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर इसको बनाएंगे ना, देखो वन और थ्री आ गया। ओके, एक बार और देख लेते हैं, एम वन एक्स टू, ये आपका एम वन एक्स वन एक्स टू, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है, ये दे दिया है एम वन एक्स टू, ठीक है, एम वन कितना है दो है, एक्स टू कितना है चार है, एम थ्री थ्री है, एक्स वन माइनस वन है, ठीक है, एम वन दो है, वाई टू माइनस थ्री है, एम टू थ्री है, वाई वन माइनस सेवन है, तो हो गया चौदह आठ, तीन एकम तीन, तीन छह, सत्य इक्कीस, पांच और पंद्रह, ठीक है, तीन पांच। बड़ा अच्छा सवाल है माध्यिका निकाल, माध्यक निकालने का, माध्यक बनाने आता आप लोगों, चलिए तो आपको मैंने यहाँ पे क्या कर छोटा करता हूँ, करना क्या होगा मुझे, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, शायद इसमें ना आटे तो हमको और बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे होगा क्या सी आई, यानी कि वर्ग अंतराल को बोलते सी आई, और बारंबार तो एफ बोलते हैं, एक्स लिखेंगे और यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, सी आई मतलब वर्ग अंतराल, कितना 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 दिया हो लिख लेते हैं, दिया हो कितना है, जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से और है अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छ नाइन फाइव टेन ट्वेंटी, ठीक है, एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए और आधा कीजिए, जोड़िए दस जीरो दस आधा करेंगे कितना होगा पांच होगा, बीस दस तीस का आधा कितना होगा पंद्रह हो जाएगा, तीस बीस पचास का आधा कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा, चालीस तीस सत्तर का आधा कितना हो जाएगा पैंतीस हो जाएगा, पचास चालीस नब्बे का आधा कितना होगा पैंतालीस होगा। अब हमको क्या करना, गुना करना ना, गुना कीजिए, एफ एक्स मतलब गुना करना, एफ एक्स को गुना करना, छह पच्चे तीस, पंद्रह छक नब्बे, पच्चीस पच्चे एक सौ पच्चीस, पैंतीस देंगे तीन सौ पचास, यहाँ पे जाएगा नौ सौ, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ, इसको जोड़िए, देखिए तीस हो गया ना, नौ छह पंद्रह, पंद्रह नौ पांच चौदह, चौबीस सत्ताईस कितना हो गया चौवन, ई चौवन हो गया, सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ लीजिए, जीरो 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 पांच हो जाएगा यहाँ पे, और कितना है, जीरो पांच सात, सात नौ सात सोलह, सत्रह अठारह उन्नीस,
19 नंबर बचा एक, ठीक है। ध्यान से देखे, 15 ओ भाई 15 96, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, 15 9 है ना, 15 9 135 होता है, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। 5 5 10 की जीरो बचा एक, 5 5 10 की जीरो बचा एक, और 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 एक बाकी, 14 के 4 बचा एक, और जोड़ लीजिए इसको, 9 3 12, 1 13, 14 एक बाकी 15। अब लेकिन इसलिए माध्य बराबर, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स कितना है 15, 40 आया, और ये कितना है 54। इसको डिवाइड कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, करीब करीब इसका आंसर मेरे ख्याल से 28 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना, 28 पॉइंट कुछ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ मोबाइल से, चलिए 15 40 भागा 54, 28.52 कर लेंगे, 28.52, 28.5 आ गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया, बोला गया एक अर्ध गोले का आयतन दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या निकालना है। चलिए भाई, अर्ध गोले का आयतन कितना दिया हुआ, 18 पाई। आपको पता अर्ध गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्ध गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³, 18 पाई। अब यहां से पाई से पाई कर दो, 2 9 18, आर क्यूब बटे 3 और 9 हो जाएगा, 3 को 9 से गुना करें क्रॉस 9 तिया 27 हो जाएगा, और आर निकालना होगा तो 27 का जब पावर 3 जाएगा ना तो घनमूल बनेगा, 27 का घनमूल कितना होगा 3, त्रिज्या तो निकाले बोल रहा ना त्रिज्या, इसलिए बराबर 3 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे ये फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, दो कर्मागत धन पूर्णांक, ये 5 नंबर का सवाल है, ये लॉन्ग सवाल आ गया, दीर्घ वाला सवाल आ गया, ठीक है ना, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक याद करना है जिसके वर्गों का योग 65 है। चलिए बनाते हैं, पाना की पहला पूर्णांक पहले क्या था, एक्स मान लिए, बोला दो कर्मागत, कर्मागत मतलब एक लाइन से, एक तो बाद दो होगा, 50 तो 51 होगा, ऐसे तो मतलब देखो 50 पद 51 हो रहा, 12 के बाद 13 हो रहा, एक एक बढ़ रहा, तो कोई भी कर्मागत लेंगे तो एक बढ़ेगा, तो पहला को अगर मैंने एक्स मान लिया तो इसलिए दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x+1 हो जाएगा। अब यहां पे देखो सवाल क्या बोलता है, इसलिए प्रश्न में क्या बोलता है, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 65 है, वर्गों का योग मतलब एक पहला का वर्ग है और दूसरा जो है ना उसका वर्ग है, ये दोनों का जोड़ कितना है 365। अब इसको बना लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x², और यहाँ पे 2 एकम 2 + 1, ये 365 किधर लाओ, 365 = 0, 2x² + 2x घटा जाएगा 1 घट जाएगा, 364 = 0 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे ना 2 कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा बनाने में, 2 कम 2 2 8 16 2 2 9 4 ऐसे, तो यहाँ पे ये जो गुना जाके भाग बन जाएगा, x² + x - 182 = 0। उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और क्या है ना, लीजिए क्या होगा, x² + x - 18 182 = 0, तोड़िए इसको, तोड़िएगा ना तो 14 और 13 में टूटेगा, 14x और 13x में कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, x + 14 - - +14, अब ब्रैकेट में देखो सेम मिल गया ना,
एक्स प्लस 14 को अलग कर लेंगे और एक्स माइनस 13 को अलग कर लेंगे। अब चूंकि ये गुणनखंड आ रहा, दोनों बराबर होगा, तो एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 14, तो माइनस जो होता क्या असंभव, चूंकि यहाँ पे बोला गया धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। अब कहां से मैसेज आ रहा भाई, जब मैंने टेलीग्राम को ऑफ कर दिया, ओ भाई साहब ये सब कहां से आ रहा। ओके, अब यहां क्या होगा, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13 तो हो गया, इसलिए लिखे पहली संख्या, इसलिए पहला पूर्णांक ना, जगह नहीं बच रहा यार, पहला पहला पूर्णांक 13 पूर्णांक एक बढ़ जाएगा, देखिए एक बढ़ा ना एक्स प्लस 1 तो एक बढ़ जाएगा, दूसरा पूर्णांक 14 ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो ये बनाना पड़ेगा, पांच नंबर वाला सवाल में दे दिया है, सिद्ध करना इसको, ये भी थोड़ा लंबा बनेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं आपके लिए, आइए बनाते हैं। क्या करेंगे, LHS cot थीटा माइनस cost, इसको थोड़ा छोटा करते ना, बटे cot थीटा प्लस cost, ब्लैक लेते ताकि आपको ज्यादा दिखेगा सही से। देखिए क्या करेंगे, हमको cosec में लाना है, तो कॉट को तो पहले देखो, कॉस का फॉर्मूला थोड़ा साइन में मिलता है और साइन कॉसेक में मिलता है, लेकिन कॉट दूर दूर से दिखाई नहीं पड़ता है, तो कॉट का एक फॉर्मूला जो कि कॉस साइन में आता है ना, याद है कुछ फॉर्मूला, देखिए तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस का फॉर्मूला कॉस थीटा, ये जो बड़ा वाला बटा है ना, अब यहां पे देते बटा, इसको लिखते हैं क्या साइन, साइन नहीं होता ना, उल्टा मैं लिख दिया हूं, क्या मैं लिख दिया हूं, कॉस बाई साइन होगा ना, कॉस थीटा बाई साइन माइनस कॉस, यहां पे क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस होगा खाली कॉस, ठीक है। चलिए एक लाइन और नीचे बनेगा, चूंकि बड़ा सा है, अब भिन्न का जोड़ कर लेंगे, तो देखो ये बड़ा वाला बटन हम ऐसे कर देते आपको दिखे, ये बड़ा वाला बटा है, ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे भी लेंगे एलसीएम साइन थीटा, तो क्या होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, एक बात ध्यान से देखिए यहां पे, ये साइन थीटा का होगा कट जाएगा, अब क्या मेरे पास बचा, जो बचा पहले लिखते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब क्या करेंगे कॉस कॉस कॉमन लीजिए, वन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहां भी कॉस कॉमन लीजिए वन प्लस, कुछ दिख रहा आपको, दिख रहा इस अंधेरी नगरी में कॉस कॉस दिख गया, अब मैं साइन तक पहुंच गया हूं, अब साइन पहुंच गया तो कॉसेक लाना आसान हो जाएगा ना, क्या मेरे पास आ गया वन, साइन को मैं कैसे लिखूं वन बाई कॉसेक थीटा, तो क्या लिखूं इस साइन को कैसे लिखूं वन बाई, ठीक है फिर भिन्न के जोड़ने पर करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखो कॉस क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे लगता नहीं हटेगा, तो यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे यहां से एक लाइन, ये बटा वाला लाइन है ऊपर वाला बना, देखो ये बना रहा, ठीक है ना,
कौन से लेंगे एलसीएम, क्या बचेगा कौशिक एकम, कौशिक माइनस वन, कौशिक माइनस वन, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी कौशिक एलसीएम लेंगे, कौशिक थीटा प्लस वन। तो यहां पे देखें ये दोनों जो है अबरी यहां से कट जाएगा, क्या हो गया यहां पे देखिए कौशिक थीटा माइनस वन, कौशिक थीटा इतना बनाइएगा तो मिलेगा पांच नंबर। देखिए इस तरह से मैंने बना दिया है, ओके स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको किसी को ले लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल इसमें था जो कि मैंने छोड़ दिया, वो लंबा चौड़ा वो सिद्ध करने वाला था, त्रिभुज वाला शायद पाइथागोरस थ्योरम टाइप का था, उसको मैंने छोड़ दिया, बहुत ज्यादा टाइम किल होता है इसलिए मैंने इसको लिया। धातु के तीन गोले जिनकी त्रिज्याएं तीन चार से पांच सेंटीमीटर है, गोला है, पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगा, चलिए लिखते हैं। तो करना क्या होगा, देखो धातु का तीन गोला है ऐसे, ये तीनों पिघला के एक बड़का ठो गोला बना दिए, तो जो तीनों का जो आयतन होगा वही बड़का वाला गोला का आयतन हो जाएगा। ओके चलिए तो हम वही करेंगे, यहां पे लिखते हैं अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही में लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे क्या लिखे यहां पे, ऐसे लिखते हैं ना, पहले पहले गोले की त्रिज्या यानी कि आर वन, यानी कि आर वन बोलेंगे कितना तीन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आर टू कितना जाएगा चार सेंटीमीटर, आर थ्री कितना जाएगा फाइव सेंटीमीटर, और पहला दूसरा तीसरा दे दिया। अब यहां पे सवाल बोलता है क्या, इसलिए प्रश्न से बोलता है कि तीनों गोलक पिघला के बड़ा गोला बनाए, तो हम लिखते हैं प्रश्न से क्या, अरे गोले का जो आयतन है ना वो इन तीनों छोटे छोटे गोलों का आयतन होगा, तीनों गोलों का आयतन, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे देखिए बड़े गोले गोला बड़ा हो चाहे छोटा हो फॉर्मूला तो एक ही होता है ना, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, यहां पे क्या होगा फोर बाई थ्री पाई आर वन क्यूब, फोर बाई थ्री पाई आर टू क्यूब, फोर बाई थ्री पाई आर थ्री क्यूब, मतलब आर वन आर टू आर थ्री मैंने निकाल लिया, तो आप ऐसे कर लो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब को ऐसे लिखो, यहां पे फोर बाई थ्री पाई कॉमन ले लो, तो आर वन का क्यूब आर टू का क्यूब आर थ्री का क्यूब। अब यहां पे क्या करेंगे बाबू, यहां पे ये दोनों पाई पाई कट जाएगा, आर क्यूब बराबर आर वन का क्यूब कितना दिया हुआ है तीन ना, तीन का क्यूब चार का क्यूब और पांच का क्यूब। यहां पे देखिए पांच का क्यूब है ये, आर का क्यूब को हम आर के क्यूब लेते हैं, तीन तीन नौ होती है सत्ताईस, चार चौ सोलह सोलह चौ चौसठ, पांच पचे पच्चीस, पच्चीस पचे एक सौ पच्चीस, आर क्यूब बराबर क्या होगा जोड़िए छ सात बारह छ उन्नीस, सात ग्यारह ग्यारह छ ग्यारह पांच सोलह छह बचा एक, और छ दो आठ दो दस एक ग्यारह एक दो सौ सोलह, ठीक है ना, पांच चार नौ नौ सौ सोलह छह बचा एक, और दो छ आठ दो दस ग्यारह बचा एक 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 दो, आर क्यूब बराबर हो गया दो सौ सोलह, तो इसलिए आर बराबर क्या होगा दो सौ सोलह का घनमूल, कितना होगा दो सौ सोलह आठ होगा ना, आठ गुना आठ गुना आठ आठ तो हो गया, इसलिए बड़े गोले त्रिज्या ना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आठ सेंटीमीटर, बड़े गोले की त्रिज्या कितना हो गया आठ सेंटीमीटर, ठीक है बन जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा यहाँ पे, अब ये है बहुलक निकालने का, बहुत आसान है बहुलक निकालना, चलिए कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है देखिए बीस,
आठ चौदह तेरह बारह बीस पंद्रह और दस आठ में किससे ज्यादा है? बीस का ज्यादा है तो लिखेंगे सर्वाधिक बारम वार्ता वाला, सर्वाधिक बारम वार्ता, सर्वाधिक बारम वार्ता बराबर कितना है? 20 है तो लिखेंगे वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा कि जो 20 है ना बारम वार्ता इसका वर्ग अंतराल, तो 20 का वर्ग अंतराल कौन हो गया 40 से 50 जो इसका वर्ग अंतराल हो गया। अब यहां पे लिखना आपको क्या लिखना है? L, L क्या था? निम्न सीमा होता है। फिर एफ वन, एफ वन क्या होगा? ये 20 को ही एफ वन बोलेंगे, इसके पहले वाले को एफ जीरो बोलेंगे, पहले वाला को, अब बाद वाला को एफ टू बोलेंगे 10, और आई या एच जो बोलो डिफरेंट, कितना का डिफरेंट है देखो 10 10 का डिफरेंट है, इतना लिख लीजिएगा ना। अब आइए इसलिए लिखते, इसलिए बहुलक बराबर, बहुलक का फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, ऐसे लिख लीजिएगा। एल कितना है देखो, एल कितना है 40 है, एफ वन कितना है 20 है, एफ जीरो कितना है 12 है, यहां भी देख सकते हैं आप एफ जीरो कितना 12 है, 2 इंटू एफ वन 20, एफ जीरो 12, और एफ टू कितना है? एफ टू 10 है, और आई कितना? आई 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 10, आई 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 कहां आई देखो 12 20 में से 12 घटेगा तो 8, और 10 को गुना कर दो ऊपर ऊपर 20 दुना 40 कितना हो गया, ये 22 हो गया। अस्सी बटे 40 में से 22 घटेगा तो 8, 18 ना, 10 में से 2 घटेगा 8 और 3 में से घटेगा 2 18, यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 40 प्लस 18 से डिवाइड करो, 18 को 80 से डिवाइड कर दो, 18 चौक 72 आ गया, 8 दुना 16, अरे यार 72 हो गया ना, अब 72 कितना आ गया यहाँ पे 8 हो गया, पॉइंट बैठा दे कैसे आ गया ना, 18 चौक 72 जीरो बैठा है पॉइंट हो गया, 18 चौक 72 4.4 मतलब आ गया, 4.44 आता रहेगा तो 44.4, ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए भाई, इसका पीडीएफ चाहिए सर, पीडीएफ दीजिए। चलिए आपको बताता हूँ पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, बड़ा आसान है पीडीएफ लेना। तो ये आपको एक सवाल मैंने छोड़ दिया ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा लेंदी था, ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला था। करना क्या होगा आपको, गूगल करना होगा, गूगल पे लिखना पड़ेगा ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे गूगल पे आपको लिखना पड़ेगा ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन लिखिएगा ना तो देखिए दो दो आएगा, एक आएगा डॉट इन, देखिए ध्यान से देखो अगर लेना चाहिए तो, एक डॉट इन आएगा, एक होगा ऑफिशियल डॉट कॉम, यहां पर जाएंगे तो मिल जाएगा लेकिन यहां पे थोड़ा सोलो चलता है, यहां पे डॉट इन पे क्लिक करना, जाना नीचे देखो यहाँ पे 11 12 9 10 9 10 वाला क्लिक करना, आपका कोई भाई हो 9 10 11 12 तो उसको बता देना ठीक है ना। नीचे जाओ, नीचे जाओ, ये सब पूरा पहले वाला है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैथ का डाला हुआ है, मैथ का क्या है यहां से, मैथ का है, मैथ का क्लिक करेंगे, मैथ क्लिक करेंगे तो मैथ का भी यहां पे मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव, और जब आप वीडियो देख रहे हैं ना अभी ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर दिखा दिया मैंने, और यहीं पे नीचे आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है ना, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो देख लीजिए, मेन पर्पज आपको बनाने आना चाहिए, ये जो एग्जाम अभी हो रहा ना ये कोई बड़ा कोई भारी से एग्जाम नहीं हो रहा, इतना तो आप पास हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, खाली प्रेजेंट होना जरूरी है ठीक है ना, लेकिन आपको फोकस रखना है बड़ा वाला एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होने वाला फरवरी में, उस समय ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि हम क्वेश्चन को पहले बता देंगे और हु बहु क्वेश्चन आ जाएगा, गेस क्वेश्चन मिलेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन लड़ सकता है ठीक है ना। तो हमारे पास पिछले 4 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है
है ना, जो कि बहुत सारे बच्चे टॉपर, आपको पता होगा बिहार में इस बार सेकंड टॉपर कौन किया था पता है ना, सेकंड टॉपर कौन हुआ था बिहार में बताइए जरा, याद है किसी को नाम? नम्रता कुमारी, नम्रता कुमारी सेकंड टॉपर है। और उसकी वीडियो जाओ वो टीवी पे ही, हमारा चैनल अपना चैनल का नाम बोला था ए ऑनलाइन सॉल्यूशन से पढ़े, बहुत गर्व की बात होती है, आप भी टॉपर बन सकते हैं ठीक है ना, जुड़िए। और वैसे हमारा अभी इस बार और अच्छे से बनाने के लिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं क्या करूं, क्रैश कोर्स ला रहे हैं, लाया हुआ है 299, बस सिर्फ 299 लगेगा, ए टू जेड सब्जेक्ट, वीडियो नोट्स पीडीएफ क्वेश्चन आंसर मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक ए टू जेड लाइव क्लास स्पेशल वहां पे एप्लीकेशन पे। हमारा ऐप का नाम क्या है सर, ऐप का नाम क्या है? ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। वैसे आप मोबाइल नंबर देख लीजिए, इस मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, जिसको लेना होगा कॉल कीजिएगा, आपको बात किया जाएगा आपसे, और आप जो चाहेंगे डेमो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएगा ठीक है ना। बहुत सुनहरा मौका है, अब फाइनल एग्जाम आना बाकी है, फाइनल एग्जाम में ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आग बता दिए तुम जाकर छाप लोगे, ऐसा नहीं होगा ठीक है ना। हाँ ध्यान रखिएगा। तो ये तो खैर ऐसे नॉर्मल हो रहा, और मेरे से पहले तो एक हफ्ता पहले से वीडियो डाल दिया है, तो मैं सोचा कि आप लोग पीछे क्यों रहेंगे ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।